हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम विंडोज 10 कंप्यूटर के अंदर जो टास्क बार के अंदर आपको क्लॉक दिखाई देता है उस क्लॉक में सेकंड्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे करंटली आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे टास्क बार में नोटिफिकेशन एरिया में आपको क्लॉक दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हमें अभी करंटली जो टाइम देखने मिल रहा है वो है 10:33, बट वहाँ पर आप सेकेंड्स नहीं देख पा रहे हो। और विंडोज 10 सिस्टम के अंदर रजिस्ट्री सेटिंग्स को एडिट करके आप वहां पर सेकंड्स भी डिस्प्ले करवा सकते हो। तो चलो देखते हैं उसके लिए हमें कौन सी सेटिंग्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा और कौन सी सेटिंग्स नई क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा रजिस्ट्री एडिटर, और याद रहे इसके लिए आपके पास सिस्टम के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज होना जरूरी है। उसके बाद ही आप रजिस्ट्री की सेटिंग्स को मॉडिफाई कर पाओगे। उसके लिए मैं सर्च करने के लिए जा रहा हूं regedit, क्लिक करते हैं रजिस्ट्री एडिटर के ऊपर, क्लिक करते हैं यस के ऊपर। जैसे ही रजिस्ट्री एडिटर कंसोल ओपन हो जाता है, आपको एक्सपैंड करना है एच की करंट यूजर को, जिसके अंदर आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर। आपको सॉफ्टवेयर को एक्सपैंड करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट। आपको माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपैंड करना है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको मिलेगा विंडोज। आपको विंडोज को एक्सपैंड करना है, विंडोज के अंदर आपको मिलेगा करंट वर्जन। करंट वर्जन को आपको एक्सपैंड करना है, करंट वर्जन के अंदर आपको मिलेगा एक्सप्लोरर। आपको एक्सप्लोरर को भी एक्सपैंड करना है, एक्सप्लोरर के अंदर आपको मिलेगा एडवांस, जहां पर जाके आपको क्लिक करना है। सो जो एक्चुअल पाथ है वो आप यहां से देख सकते हो, कंप्यूटर के अंदर एच की करंट यूजर, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, फिर विंडोज, करंट वर्जन, एक्सप्लोरर और एडवांस। एडवांस के ऊपर आप राइट क्लिक करके यहां से भी न्यू डिवर्ट 32 वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप यहां पर राइट क्लिक करके भी न्यू डिवर्ट 32 बिट वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। सो हमें यहां पर एक नई एंट्री क्रिएट करनी है, जिसके लिए आपको यहां से सिलेक्ट करना है डिवर्ट 32 बिट। जो डिफॉल्ट नेम है उसे चेंज करके आपको वहां पर एक नई एंट्री क्रिएट करनी है, जो है शो सेकंड्स इन सिस्टम क्लॉक। याद रहे आपको एग्जैक्टली ही ये एंट्री ऐसी ही क्रिएट करनी है, जहां पर जो लेटर कैपिटल में है उसको कैपिटल में लिखना है और जो स्मॉल में है उसे आपको स्मॉल में लिखना है। अब इस वैल्यू को आपको मॉडिफाई करना है, जिसके लिए आप इस एंट्री के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके यहां से सिलेक्ट कर सकते हो मॉडिफाई। यहां पर आप देख रहे हैं वो है जीरो। जीरो का मीनिंग ये है कि टास्क बार के अंदर सेकंड्स हमें डिस्प्ले होगा नहीं। सो अगर आप सेकंड्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस वैल्यू को चेंज करके यहां पर वैल्यू ऐड करनी होगी वन। यानी कि जीरो मीन्स वहां पर सेकंड्स डिस्प्ले नहीं होगी, वन का मीनिंग ये है कि वहां पर सेकंड्स डिस्प्ले होगी। सो हम यहां पर वन कर रहे हैं क्योंकि हम यहां पर सेकंड्स भी डिस्प्ले करना चाहते हैं। वैल्यू मॉडिफाई करने के बाद आपको क्लिक करना है ओके बटन के ऊपर और इस कंसोल को आपको बंद कर देना है। और अब अभी भी आप यहाँ पर सेकंड्स वैल्यू नहीं देख पा रहे हो, उसका रीज़न ये है कि अब आपको इस सिस्टम को रिस्टार्ट करना होगा और रिस्टार्ट के बाद ही आपको इस कंप्यूटर के ऊपर सेकंड्स डिस्प्ले होगी। ओके, रिस्टार्ट के बाद हम वापस हमारे सिस्टम के अंदर लॉग इन कर लेते हैं, और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि अब हमारे टास्क बार के ऊपर जो सिस्टम क्लॉक है वहां पर अब हमें सेकंड्स भी डिस्प्ले हो रहा है। सो कुछ इस तरह से हम विंडोज 10 कंप्यूटर के अंदर टास्क बार में जो क्लॉक है वहां पर सेकंड्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको अब सेकंड्स यहां से रिमूव करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको वापस रजिस्ट्री एडिटर ओपन कर लेना है, और जहां पर हमने वैल्यू मॉडिफाई की थी, जो एंट्री हमने क्रिएट की थी सो सेकंड्स इन सिस्टम क्लॉक, इसको या तो आप मॉडिफाई करके कर सकते हो जीरो, या फिर सिंपली आप इस एंट्री को यहां से डिलीट कर दो और सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर दो। उसके बाद जो यहां पर सेकंड्स है वो यहां से रिमूव हो जाएगी और सिर्फ आपको वहां पर नॉर्मली जो नॉर्मल क्लॉक होता है वो ही डिस्प्ले होगा।
सो कुछ इस तरह से हम विंडोज 10 कंप्यूटर के अंदर सिस्टम क्लॉक के अंदर सेकंड्स को ऐड कर सकते हैं और जब आपको वो सेकंड्स नहीं चाहिए तो उसे वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।